तो दर्शक साथियों, गांव बलम्बा का ऐतिहासिक और बहुत बड़ा फैसला जो पंचायत के द्वारा चारों पंचायतें मिलकर महापंचायत का आयोजन गांव बलम्बा के अंदर किया गया, जिला परिषद वार्ड 13 का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर लगातार बलम्बा गांव में कम से कम 4 घंटे कसमकस चलता रहा कि कौन होगा आपका उम्मीदवार। लेकिन इस पंचायत, इस गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने बड़ा फैसला किया है और सतीश राठी बलम्बा, जिसको जिला परिषद वार्ड 13 का पंचायती उम्मीदवार गांव की तरफ से घोषित किया गया है, हमारे साथ में है सतीश भाई। सतीश, राम राम भाई। राम राम जी। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे गाँव बलम्बा की 36 बरादरी के हर बुजुर्ग सम्मानित का, युवा साथी का, केतावा का, जिसने मेरा पर विश्वास जताया, मेरी पंचायत पर विश्वास जताया। मैं सारी जिंदगी 7 पीढ़ी तक का मेरे गांव बलम्बा का ऐसा नहीं भूल सकता। मैं निःशब्द हूँ, गांव के बारे में कुछ नहीं कह सकता, इतना मान सम्मान मेरे पर, इतना विश्वास जताया है। मैं हर सांस तक कोशिश करूंगा कि मेरे गाँव का मान सम्मान मैं कभी जिंदगी में घटने नहीं दूंगा। तो सतीश भाई, गाँव की तरफ से कैंडिडेट आपको दे दिया गया है और आप अपने युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, ग्रामीणों को, या फिर इसके अलावा गांव बलम्बा के अलावा जितने भी गांव हमारे जो इस वार्ड 13 में लगते हैं, उनके लिए क्या खास संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, मैं आपका बालक हूं, बेटा हूं, दोस्त हूं। आप अपना इलेक्शन मान के लड़े, ये ना माने कि गांव बलम्बा का या सतीश बलम्बिया का इलेक्शन है, आप सबका इलेक्शन है। ये मेरा गाँव की जीत होगी, सतीश की जीत नहीं होगी। मैं मेरे गांव वासियों को, गुवांड वासियों को, सभी को कहता हूं कि गांव बलम्बा की तरफ देखो और इलेक्शन लड़ो और जीतो, गांव बलम्बा को जिताओ। हमारे साथ में पूर्व सरपंच है दलबीर सिंह, जिन्होंने पंचायत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, प्रधान जी के साथ, तपा प्रधान भीम सिंह के साथ, अन्य व्यक्ति जो गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने इस फैसले की घड़ी में जबरदस्त फैसला लिया है। दलबीर जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को। जो फैसला लिया है, क्या उसके ऊपर गाँव खरा उतरेगा? 101% है, एक वोट भी नहीं जाने देंगे। बूथ पे एक आदमी बैठ के वोट गिरेगा, अलग अलग कोई पर्ची नहीं गिरा, हर बूथ पे एक महाराज एजेंट होगा, वही बटन दबेगा, चलो दूसरा नहीं दबेगा। ये थे हमारे साथ दलबीर पूर्व सरपंच। हमारे पास में सुरेंद्र पवार हैं भाई साहब। सुरेंद्र भाई, राम राम। भाई राम राम। पवन भाई, देखो आज बहुत ही खुशी का दिन है, हमारा इतना बड़ा गाँव होने के बावजूद, 4 पंचायत होने के बावजूद, भाई सतीश पे सहमति बनी है सबकी सर्वसम्मति से। पंचायत वाइज हमने फैसला लिया है कि भाई पहले पाना खास पंचायत का नंबर, पाना खास पंचायत से हमने भाई बेटा सतीश को हमने आशीर्वाद दिया है और भाई हम उम्मीद करते हैं भाई सतीश से भी भैया गांव राम की मान सम्मान को, इज्जत को सिर माथे रखेगा। और मैं एक बात और इसको कहना चाहूँगा, मेरे छोटा है भाई, भाई पॉलिटिक्स जो है राजनीति, आज तेरा पहला स्टेप है, ये राजनीति के अंदर समाज सेवा, समाज सेवा का स्वरूप लेके चलना, गांव के बड़े बुजुर्गों की, भाई 8-7 गांव का मामला है ये, ठीक है, सारे गांवों को फिर समानता के अधिकार बनने के बाद तेरा हमारे आशीर्वाद ये है। सबसे ज्यादा माध्यम से भाई को बना के लेंगे, गांव का चूची बच्चा सभी एकजुट होकर हम भाई को भारी बहुमत से जिता के लेके आएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे पूरे जिले के अंदर, मैं यही वादा करना चाहूंगा। धन्यवाद सुरेंद्र जी। हमारे साथ में जो एक जो चुने हुए नुमाइंदे जो पंचायत की तरफ से, जोगिंद्र लावत भाई हमारे साथ हैं, भाई ने भी समर्थन कर दिया था, ये कह दिया था कि गांव का जो फैसला होगा, पंचायत का जो फैसला होगा, वो सर्वमान्य होगा। जोगिंद्र भाई, राम राम। राम राम भाई साहब, फैसले को लेकर क्या कहेंगे? भाई साहब ऐसा, हम तो वे जीत गए जब इतना गांव एक साथ इकट्ठा हुआ है और भाई को समर्थन दिया, तय दिल थे उसके साथ हम और उसके साथ रहेंगे। बहुत बढ़िया जोगिंद्र भाई। हमारे साथ में काला बलम्बा जो 24 सरोखा पंचायत के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने इस पंचायत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, सभी साथियों के साथ, बुजुर्गों के साथ मिलके ने एक फैसला लिया है, इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है? भाई पहला तो मेरा इमीडिया को धन्यवाद, जो इसने इकलास करने में पूरे हेयर वाइज इस मीडिया ने साथ दिया, उस हेयर का पंचायत का भी मैं धन्यवाद करूं हूं, उनने एक एक उम्मीदवार रखा, जो उम्मीदवार रखा वो इतना बढ़िया सज्जन हुए हुए हैं, अब वो उनने गांव का सम्मान रखा, गांव के बीच में कोई कितना खर्चा कर रहा था, उनने तय दिल से गांव को दे दी, अग भाई मतलब हम जो गांव फैसला करेगा और वो फैसला पे, तो मैं तो सबसे बढ़िया भाई पहले तो इसको मीडिया को धन्यवाद करूंगा, जो कि हर कड़ी में, हर जगह में जो हमारी मीडिया, जो हमारे साथ भाई ये साथ दे रहे हैं, पवन बरगे ये भाई है ना, तो उसमें क्लास करने में 90% इनका योगदान है। और भाई आज लगभग 100 से भी अग बलम्बा गाँव ने, जिस बलम्बा सुधा गांव के आकर दे, उस शराफत का एक
मतलब मिसाल कायम कर दी। रही आने वाला भी टाइम में मैं तो न्यू को हूँ, जो अगर जो कोई पीछे किसी से कोई गलती हुई है हमारे कोई उम्मीदवार से अगर कोई चूक रही है उस चूक ने सोच समझ के नहीं सतीश बन गया उसने नहीं रहने देगा। और एकता में बहुत बड़ा बल है। और भाई मतलब ये मेरा उम्मीद है, पूरे गांव का ये उम्मीद है उन्होंने यह बात का यू गांव ने साथ लेके चलेगा कि उस चर्चा में नहीं आओ। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है जो काला बलम्बा ने कही है कि गांव एकजुट हो गया चलेगा और ऐसी जीत सतीश राठी को देगा जो पूरे प्रदेश के अंदर नाम जाएगा इस गांव बलम्बा का। हमारे साथ में राजा बलम्बा जी हैं, जो पंचायती हैं, जो हमारे वरिष्ठ पंचायती हैं ये भी। इसको लेकर आप क्या कहें जो आज फैसला लिया गया? सभी दर्शकों को राम राम। मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे गाँव ने जो भी फैसला लिया वो कड़ियों के लिए फैसला लिया है, ताकि आज के लिए भी नहीं। जो पिछली परंपरा चली आ रही थी ना उसमें एक दो बार पहले भटक गए थे और पिछले साल ये शुरुआत कर दी थी और उस शुरुआत को कामयाब बनाने के लिए आज फिर सर्वोच्च समिति से फैसला लिया और आगे 20-25 साल आगे का फैसला लिया गांव ने एक सहमति से होके और उसमें पाने वाइज डिटेल बना दी गई अगवाई उसका। तो इसको हम कायम रखेंगे। और अभी जो नया कैंडिडेट हमारे पाना खास से भाई सतीश बेटा आया है और इससे भी उम्मीद रखेंगे कि सभी गांव और गुआंड से बड़े प्यार और प्रेम से हमारे रोहतक जिले के अंदर 13 वार्ड में एक नंबर की जीत हासिल करेंगे और प्यार और प्रेम सने से जीत हासिल करेंगे, ना कि कोई किसी प्रकार की आतिशबाजी से। तो दर्शक साथियों आपने सुना अभी जो वरिष्ठ पंचायती है कैंडिडेट जो सतीश राठी जो उम्मीदवार घोषित किया है सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दर्शक साथियों कहीं भविष्य की भनक आपको नजर आ रही होगी इस महम चौबीसी के बहुत बड़े गांव बलम्बा की तरफ से कि लगातार पंचायतों का दौर होने के बावजूद लगातार 15 दिन पंचायतें चलने के बाद एक कैंडिडेट फाइनल कर लिया गया है। पिछली बार एक उम्मीदवार मैदान में उतारा था धर्मवीर, उसको भी विजेता बना के इस गाँव ने आगे भेजा था। अब की बार फिर सतीश को घोषित कर दिया है, इसको भी विजेता बनाने की कोशिश लगातार चली हुई है जो शायद मेरे हिसाब से सफलता की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि एकता में जो प्रधान जी ने बताया एकता में बल होता है। मुझे तो भविष्य की बू आ रही है कहीं 2024 का चुनाव के लिए गांव बलम्बा संगठित होने जा रहा है क्या? अनिल भाई मैं आपसे ही पूछूंगा क्या ऐसा संभव हो पाएगा? ये तो भाई साहब सारे ने दिखने लग रही है जो इस उतरी प्रश्न में जो भी आके आज तक कदे भी फैसला होया है वो फैसला जायज ही होया है और आने वाला 24 भी बलम्बा गांव का होगा भगवान ने चाहिए था। क्या कहे प्रधान जी इसको लेकर? भाई मैं बिल्कुल इस चीज ने माना विधायक के कोई पेट में तो पैदा होगा वो नहीं होता, ये गांव और ये जनता रिया बनाओ है। और बलम्बा गांव की एक बात और भी कहूं, मैंने पहले भी कही है बलम्बा गांव में जिस दिन आज जैसे संगठन हुआ है एक दिन 2024 में भी ऐसा संगठन होगा, ऐसी अपनी पहचान बनाओगा मेरा उम्मीद है। धन्यवाद आप सभी दर्शक साथियों का जो आपने इतना समय दिया। वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पूरे हरियाणा प्रदेश में इस बात को भेजें कि गांव बलम्बा जिसने एकता का ऐसा परिचय दिया है शायद ही पूरे देश और प्रदेश में देखने को मिले। आप सभी दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।